भले ही राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी अभी जारी नहीं की हो, लेकिन बातों बातों में ही आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दौसा जिले के 5 प्रत्याशियों के नाम उजागर कर दिए। इससे यह बात तो आज साबित हो ही गई कि 200 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के सिलेक्शन में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सिकराई सभा में 5 टिकटों की घोषणा कर दी। प्रदेश के दौसा जिले में 5 प्रत्याशियों के नाम आज खुद ब खुद सीएम ने ही बता दिए। हुआ यूं कि उन्होंने दौसा के सिकराई में ईआरसीबी की सभा को संबोधित करते हुए 5 मौजूदा विधायकों को चुनाव में जिताने की अपील कर दी। ये मौजूदा विधायक प्रसादी मीणा, मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाना, ममता भूपेश और ओम प्रकाश हुडला हैं। हालांकि ओम प्रकाश हुडला अभी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन सीएम के बयान से तय हो गया कि हुडला इस बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम गहलोत ने आज सभा में 5 को जिताने की अपील की। हालांकि निर्दलीय विधायक हुडला आज की सभा में मौजूद नहीं थे, लेकिन सीएम ने हुडला को जिताने की अपील की। इसके साथ ही दौसा जिले की कांग्रेस की टिकट फाइनल हुई। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची औपचारिक रूप से जारी होगी। और कहना चाहूँगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप 4-5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप, मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खटाना जी, हुडला जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को विधायक जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील रहेगी। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। इस चुनावी घमासान के बीच जब भाजपा ने 9 अक्टूबर को अपनी पहली सूची जारी की और नया प्रयोग करते हुए 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया, तो संभावना चल रही है कि कांग्रेस भी कोई नया प्रयोग कर सकती है। टिकटों को लेकर दिल्ली में गहन मंथन चल रहा है। मंगलवार को और बुधवार 2 दिन AICC और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बावजूद भी जब कांग्रेस कोई सूची जारी नहीं कर सकी, तो कांग्रेस समर्थकों में थोड़ी निराशा थी। इसी दौरान सीएम गहलोत ने आज सिकराई की सभा में 5 टिकट साफ कर दिए। प्रसादी मीणा, मुरारी मीणा, जीआर खटाना, ममता भूपेश और ओम प्रकाश हुडला का। महुआ से निर्दलीय विधायक हुडला को कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार था इस बार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का, तो लगे हाथ सीएम ने कांग्रेस के 4 मौजूदा विधायकों के साथ ही महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुडला को जिताने की बात कहकर ये भी बता दिया कि हुडला को कांग्रेस से टिकट फाइनल है। ऐसे में माना जा सकता है कि भले ही कांग्रेस की सूची जारी नहीं हो, लेकिन AICC की बैठक में निश्चित तौर पर इन विधायकों के नाम तय हो चुके हैं। और कहना चाहूँगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप 4-5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप, मैं अपील करूँगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जया खटाना जी, हुडला जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को विधायक जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील रहेगी। दौसा जिले के 5 विधायकों को जिताने की बात कहकर सीएम गहलोत ने ये तो मैसेज दे दिया कि कांग्रेस जिताओ कैंडिडेट पर ही दाव खेलेगी। कांग्रेस जिस तरह दौसा के 5 मजबूत विधायकों को फिर से मौका देने के मन बना चुकी है, ऐसे में संभावना है कि कांग्रेस जीती हुई सीटों को ज्यादा ना छेड़ते हुए हारी हुई सीटों पर ही कोई नया प्रयोग करेगी।